हे गाइस, इस वीडियो में हम नीट फिजिक्स 2017 के सॉल्यूशंस को कंटिन्यू करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक वायर का रेजिस्टेंस है आर ओम, और अगर उसे मेल्ट किया जा रहा है और स्ट्रेच किया जा रहा है एन टाइम्स उसके ओरिजिनल लेंथ से, तो उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा ये पूछ रहा है। तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है और ये फॉर्मूला कॉपी की जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस फॉर्मूला कॉपी के फिजिक्स 12th वाली फॉर्मूला कॉपी है और उसके पेज 12 पे मिल जाएगा। और ये नोट्स में भी फिजिक्स 12th पार्ट 1 के पेज 78 पे मिल जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो सब इसमें मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए होता है, और रो मीन्स रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, एल इज़ टोटल एरिया ऑफ वायर एंड ए इज़ टोटल एरिया ऑफ वायर, सॉरी एल इज़ लेंथ ऑफ वायर। तो क्वेश्चन में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस हमें वॉल्यूम के टर्म्स में इसलिए निकालना होगा। तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो अगर हम दोनों को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम हो गया, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल स्क्वायर के, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है और रो भी कांस्टेंट ही है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमेशा कांस्टेंट होता है सेम मटेरियल के लिए, इसलिए तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल स्क्वायर के, लेंथ के स्क्वायर के। तो एल अगर एन टाइम्स हो रहा है, यानी कि लेंथ एन टाइम्स हो रहा है, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा एन स्क्वायर टाइम्स। तो न्यू रेजिस्टेंस जो होगा वो एन स्क्वायर आर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एन स्क्वायर आर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया हुआ है और वो किस गेट के इक्विवेलेंट है वो हमें निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स चैप्टर से है और फॉर्मूला कॉपी में ये फिजिक्स 12th में मिल जाएगा पेज 54 में, एंड नोट्स में ये फिजिक्स 12th के ही पार्ट 2 में पेज 123 पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो सर्किट शो किया गया है इसमें ए और बी कनेक्ट किए गए हैं नॉर गेट पे, और उसके बाद अगर हम इसको आउटपुट को Y1 कंसिडर करें तो वो अगेन कनेक्ट किया गया है नॉर गेट से ही, एंड अगेन आउटपुट एक आ रहा है उसको हम Y2 कंसिडर कर रहे हैं और वो कनेक्ट किया गया है एक नॉट गेट से। तो Y1 जो आएगा वो ए प्लस बी बार आएगा, ए प्लस बी नॉट कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि ये नॉर गेट से कनेक्टेड है। और उसके बाद का अगर हम आउटपुट देखें तो Y2 आ जाएगा Y1 नॉट, क्योंकि अगेन ये नॉर गेट से कनेक्टेड है। और अगर अगेन नॉर गेट में इनपुट अगर सेम होता है तो वो नॉट गेट की तरह एड करता है। तो Y2 हो गया Y1 नॉट, जो कि इक्विवेलेंट हुआ ए प्लस बी के डबल बार से, और डबल बार मींस ए प्लस बी नॉट का अगेन नॉट हो गया, तो अगेन वो इक्विवेलेंट आया ए प्लस बी के। नाउ फाइनल आउटपुट जो है Y इज इक्वल टू Y2 नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये Y जो है आउटपुट कहाँ से निकल रहा है, Y2 के नॉट गेट में एंटर करने के बाद। तो Y2 नॉट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का नॉट। तो ये इक्विवेलेंट किसके हुआ, रिजल्टेंट किसके इक्विवेलेंट हुआ, नॉर गेट के। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि नॉर गेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में डी ब्रॉडली वेव लेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर एट ए टेम्परेचर टी केल्विन एंड मास एम इज। डी ब्रॉयली वेवलेंथ कितना होगा एक न्यूट्रॉन का जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है हैवी वाटर के साथ एक टेम्परेचर टी में, और जिसका मास एम है। तो एज ए फॉर्मूला वैसे आप इसे याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला काफ़ी जगह यूज़ भी होता है और ये डिराइव भी किया जा सकता है। ये चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का है और इसके स्पेशली मैटर वेव सेक्शंस हैं, और फॉर्मूला कॉपी की फिजिक्स 12th पेज 47 में मिल जाएगा।
और नोट्स में ये फिज़िक्स 12th के पार्ट 2 पेज 102 में मिल जाएगा। अब इसमें हमें वेवलेंथ निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है एच अपॉन एम वी। एच मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास है और वी वेलोसिटी है। तो इक्वल टू हो गया एच अपॉन √2 mk, के इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो एम वी को अगर हम √2 mk के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मोमेंटम को हम √2 mk के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने एम वी को रिप्लेस कर दिया है √2 mk से। तो एच अपॉन √2 mk इक्वलेंट हो गया एच अपॉन √2 m इंटू 3/2 kT। ये हमने काइनेटिक एनर्जी का इक्वलेंट निकाल लिया है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, जो कि 3.2 kT होती है एक मॉलिक्यूल के लिए। तो फाइनली ये इसका आंसर आ गया एच अपॉन √3 mk, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1, एच अपॉन √3 mk। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें से कौन से जो है ऑप्शंस फॉरवर्ड बायस डायोड को रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेमीकंडक्टर्स चैप्टर से अगेन, ये इसमें फॉर्मूला तो कुछ यूज़ हुआ नहीं है, और नोट्स के फिजिक्स 12th के पार्ट 2 में पेज 116 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो सर्किट दिया है उसमें V1 है एंड नेक्स्ट PN डायोड है, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस है, देन V2 नेक्स्ट पोटेंशियल है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, V1 ग्रेटर देन V2 होता है, ओनली फोर्थ ऑप्शन ऐसा है, तो आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। तो NP टाइप के कंडक्टर में, सेमी कंडक्टर में N के साइड का जो पोटेंशियल है जब कम होगा तभी वो फॉरवर्ड बायस कहलाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप नोट्स में अलग अलग क्वेश्चंस के एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में जो है V1 लेस देन V2 है। -4 वोल्ट इज़ लेस देन -3 वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन में -2 वोल्ट इज़ लेस देन +2 वोल्ट, एंड थर्ड ऑप्शन में भी 3 वोल्ट इज़ लेस देन 5 वोल्ट। तो इसका आंसर फोर्थ हो गया, क्योंकि 0 वोल्ट इज़ ग्रेटर देन -2 वोल्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, आई मीन इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसका डायमीटर है 0.1 मीटर, और इसमें 2×10⁴ टर्न्स पर मीटर है, यानी कि स्मॉल लाइन हो गया 2×10⁴, और डायमीटर इसका 0.1 मीटर हो गया। और एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड एक कॉइल रखा गया है, 100 टर्न्स का है, यानी कि कैपिटल एन जो हो गया 100 हो गया, और इसका रेडियस 0.01 मीटर है, यानी कि 10⁻²⁺ मीटर। इस प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस को इन साइडिंग विथ अ सोलेनॉइड एक्सिस। अब करंट जो है सोलेनॉइड में वो रिड्यूस हो रहा है एट अ कॉन्स्टेंट रेट टू 0 एम्पियर फ्रॉम 4 एम्पियर, यानी कि करंट का जो डिफरेंस हो गया वो 4 एम्पियर हो गया इन 0.05 सेकेंड। तो टाइम का जो डिफरेंस है, टाइम ड्यूरेशन है, वो 0.05 सेकेंड हो गया। अगर जो रेजिस्टेंस है कॉइल का वो 10 πa² ohm है, तो टोटल चार्ज जो फ्लो हो रहा है कॉइल से वो कितना है इस टाइम में, ये हमें निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से है, फॉर्मूला कॉपी के फिजिक्स 12th में पेज 24 में मिल जाएगा, और नोट्स के फिजिक्स 12th पार्ट 2 में फिजिक्स पेज 17 में मिल जाएगा। इसमें वैल्यूज़ क्या दी गई है, डायमीटर दिया गया है सोलेनॉइड का 0.1 मीटर, स्मॉल एन दिया गया है नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर 2×10⁴, और कैपिटल एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल के हैं वो 100 दिए गए हैं। आर रेडियस ऑफ कॉइल दिया गया है 0.01 मीटर, चेंज इन करंट दिया गया है 4 एम्पियर, और चेंज इन टाइम दिया गया है 0.05 सेकेंड, और रेजिस्टेंस जो है वो 10 πa² ohm है। अब हम इसमें चार्ज फ्लोइंग निकालना है, टोटल चार्ज क्यू। तो क्यू इज इक्वल टू होता है ∆ϕ/R, मीन्स चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। तो हम इसको दोनों को चेंज इन टाइम से इनटू भी कर सकते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू आ गया ∆ϕ, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स जो होता है वो होता है B डॉट A मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड की, इनटू उसका एरिया जो रेस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, यानी कि कॉइल का एरिया हम यहाँ पे निकालेंगे।
उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स में हम ऐसा ही करके निकालना है हमें, और चेंज इन फ्लक्स हम निकाल रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे करंट की जगह चेंज इन करंट लेंगे और चेंज इन टाइम लेंगे। तो क्यू इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट एन आई, क्योंकि म्यू नॉट एन आई जो है मैग्नेटिक फील्ड इन सॉलेनॉइड होता है, आपको फॉर्मूला कॉपी में इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, और इंटू कर दिया एन इंटू पाई आर स्क्वायर। एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, क्योंकि हमें टोटल एरिया निकालना था कॉइल का इसलिए एन से इंटू किया, और पाई आर स्क्वायर मीन्स एक टर्न का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर हो गया, अपॉन डेल टी इंटू डेल टी बाई आर। तो डेल टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो म्यू की वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और स्मॉल एन की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 4 है। आई की वैल्यू करेंट चेंज की वैल्यू है 4, और इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है 100 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस जो है कॉइल का वो 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर था तो उसका स्क्वायर, इंटू 0.05 हमने डेल टी की वैल्यू डाल दी है, अपॉन डेल टी 0.05 इंटू आर रेजिस्टेंस 10 पाई स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 32 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम आएगा, यानी कि 32 माइक्रो कूलम। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि 32 माइक्रो कूलम है। तो ये हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।